जनाब हमारे साथ हो गया धोखा, और वो भी फुल VVVIP वाला। कल हमने निकलवाया शहर, तो ये पूरा प्रोसीजर इतना कोई मज़ेदार था कि हम वो नहीं देख पाए जो कि देखना चाहिए था। तो आप देखें वीडियो, आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करें कि क्या यहाँ पे ठगी हुई है, देखें आप, वरना एंड में तो मैं बता ही दूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जनाब आज हम जा रहे हैं बाग में, बाग में मक्खी का छत्ता लगा हुआ है, तो हम वहाँ से ज़रा शहद निकालने जा रहे हैं, तो साथ जुड़े रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए कि किस तरह से शहद निकलता है गाँव के अंदर, आपको तो बड़ी आसानी से मिल जाता है ना, देखें तो उसे निकलता कैसे। ये देखिए, ये हल्का सा धुआं लगाया, और ये हाँ भाई दे कोल ही हैं। डरना नहीं किसी किस्म का, डर गए तो लड़ जाएगी। तेरे कोल नहीं खड़ा मैं, स्कूल ना परेशान है। ज्यादा गल घुमा भी मतलब हेलो हाँ हाँ जी ओके जनाब, तो ये रश है, साथ में आपको मक्खियाँ भी नज़र आ रही होंगी। अभी पूरा निकालना है? अभी नहीं नहीं, निकाल लिया, निकाल ली आई हुई है बस। तो बोले लोग और आएगा, इतना बड़ा छत्ता लगा हुआ था, वो तो वो सारा नहीं होता, सारा नहीं होता, यही होता है शायद होता है। मैंने बोला पता नहीं कि वो पूरे के अंदर होता है। ठीक है, सारे क्यों ढेर मार निकले यार। नहीं बाज़ दफ़ा बड़ी छली पे नहीं, बड़ी छली होती है नहीं का। ओके जनाब, तो बस इतना ही है, नहीं होगा फिर ना काम का सूखा से कर लेना सी। केड़ा लाले चोरी कटे ना ना होंदे, फिर मैं लाल वेदा जे भूख रे ना लग जाता। हां मुख्तार, हां जी, चोरी केने कटे आज केड़ा? ये शायद जेड़े कटे ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਚੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਰਦਰਾਂ ਸੇ ਮਹਿਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲਿਓ ਜੀ तेरे को ज्यादा नहीं चले गया, पता नहीं बेईमानी चोरी करनी है। चल ले जा यार, असि तो 20 दफा इत्थे तमाकी चुंग रहे हैं, इस तक कदे बेईमानी की नहीं होगी अब तक। ओके तो जनाब ये रहा शहद। तो यहाँ हुआ ये कि आप जब ये शहद हमने निकाला था उस वक्त की फुटेज देखें। ओके जनाब, तो ये रहा इस फुटेज में देखें कि शहद का जो छत्ता था वो कितना बड़ा था,
अब ये फुटेज देखें जिसके अंदर ये शहद को काट रहा है। इसके अंदर शहद बिल्कुल थोड़ा सा है और उसके अंदर से भी इन्होंने हमें आधा शहद दिया। तो होता यह है सीन कि जब शहद निकालने वाले आते हैं तो उसके अंदर से 50-50 होता है जो शहद निकालता है, क्योंकि एक रिस्की काम है, मधुमक्खी लड़ भी सकती है और बड़ी टेक्निक से निकालना पड़ता है जैसे कि आपने देखा। तो वो इसका आधा हिस्सा रखते हैं शहद का, या आप उसको उसकी मालियत अदा कर दें या वो हिस्सा रखेंगे। तो उन्होंने अपना हिस्सा पहले ही निकाल लिया। आफ्टर दैट उन्होंने जो हमारा हिस्सा था उसमें से भी उन्होंने आधा हिस्सा और निकाल लिया। तो ये सब है सफाई, धोखा। सबसे बात शेयर करने की एक छोटी सी वजह थी, वो ये कि जनाब इतना ट्रस्ट नहीं करते, देख लेते हैं। अब कोई कह रहा है कि मैं सच्चा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि वो सच्चा हो, कह रहा है कि मैं ठगी नहीं मार रहा, पता नहीं बेईमानी चोरी करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं मार रहा। आँखें खुली रखा करें अपनी।